नमस्ते दोस्तों, मैं रुचि और आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लिया गया है। जी हां, मुंबई से गोवा जा रहे जहाज में चल रहे रेव पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे का नाम भी सामने आया है। खबर है कि एनसीबी की छापेमारी के दौरान आर्यन को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें दिल्ली की 3 महिलाएं भी शामिल हैं। एनसीबी की छापेमारी के दौरान जहाज से कोकीन के अलावा अन्य 3 तरह के ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन का कहना है कि उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया था। आर्यन ने यह भी बताया कि पार्टी में उनके नाम पर कई लोगों को बुलाया गया था। पार्टी में क्या होने वाला था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। उनके चैट्स खंगोले जा रहे हैं, जिससे रेव पार्टी में आर्यन की भूमिका साफ हो सके। दरअसल जब एनसीबी ने जहाज पर छापेमारी की, तब उस पर करीब 600 हाई प्रोफाइल लोग सवार थे। पार्टी में शामिल होने के लिए टिकट की कीमत 80,000 से लेकर 2,00,000 रुपए की थी। वहीं रेव पार्टी में हिरासत में ली गई 3 महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं। तीनों महिलाओं को रविवार को मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में इतनी ही खबर सामने आई है। आगे जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहे बिग स्क्रीन के साथ।